आपका नाम जी? हमारी जयशिव ज्वेलर्स के नाम से भगत सिंह रोड गाज मंडी चौक पर दुकान। मेरा नाम दिनेश बंसल जी। हमारी दुकान लगभग 3:30 बजे 6-7 बुरके वाली महिलाएं आई जो 3 ग्रुपों में थी जी। 3 का एक ग्रुप था, 2 का एक था, 2 का एक। उनमें से जो 3 वाली औरतें थी वो एक तरफ सीट पे बैठी, उन्होंने कुछ सोने का सामान दिखाने के लिए कहा। मेरे छोटे भाई सुशील बंसल ने उन्हें सामान दिखाया, जिसमें सोने की चैन आदि उन्होंने कान कुंडल वगैरह दिखाने के लिए कहा। उन्होंने दिखाया लेकिन लिया उन्होंने कुछ, उन्होंने ऐसे के ऐसे सामान जो है जो स्टॉक वाला डब्बा था जिसमें लगभग जो है काफी सामान था, लगभग 1.25 किलो के करीब सामान था। वो डब्बा भैया ने अलग रख दिया। फिर जो 2-2 ग्रुपों में और औरतें आई थी, उन्होंने चांदी के सामान की डिमांड करी। उन्होंने चांदी का सामान दिखाने में व्यस्त हो गए। उन्होंने उसमें से एक चांदी की अंगूठी और एक चुटकी खरीदी, तो भैया उधर जो है दिखाने में व्यस्त रहे और बिल बिल बनाने में व्यस्त हो गए। इतने में जो पहले दिन औरतें आई थी, उन्होंने जो पूरा स्टॉक का डब्बा था जिसमें लगभग 1.25 किलो सामान था, उसमें वो उठाकर बुरके के अंदर रख लिया और बुरके के अंदर रख के उसे दुकान में सामान देकर। कितनी कीमत होगी लगभग? 1.25 किलो सामान लगभग 38-40 लाख। पुलिस को सूचना की क्या? हाँ, पुलिस को सूचना, कोतवाली में ही खड़े हैं, सूचना भी करती और तैयारी भी करती। ठीक। कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जो सामान बरामद। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें सब कुछ आया। ठीक है सर, इस हमारे यहाँ चोरी हुई है, सीसीटीवी में कैद हुई है, क्या ऐसे हुआ मामला? भगत सिंह रोड पर जयशिव ज्वेलर्स की दुकान है, इनके भाई सुशील कुमार ने थाने पर एक सूचना दी है कि 3:30 बजे के आसपास कुछ बुरके में कुछ महिलाएं आई और इनका एक डिब्बा उठा ले गई जिसमें सोने के जेवर थे, जिनका वेट करीब 1 करोड़ 25 लाख। मुकदमा लिख लिया गया है, 30 की जा रही है, गिरफ्तारी अभियुक्तों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है सर, कितनी महिला भी देख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ, कितनी महिला दिख रहा है? वो तो देख रहा, वो तो आप देख रहे हो, उसी को दिखा मौके पर जाके। लगभग कितनी भी चोरी बता रहे हैं सर?
1,25,000 फॉर्मर बता रहे हैं कि इतने का सामान था। ठीक है सर।